डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राफ्स एंड डायग्राम्स के जो चैप्टर है इसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके में भी बड़े मुख्तसर से एमसीक्यूज़ होते हैं, ज़्यादा एमसीक्यूज़ नहीं होते। डिस्कस करते हैं चैप्टर को पहले। ग्राफ्स एंड डायग्राम से मुराद ये है कि जब आप अपने डाटा को प्रेजेंट करते हैं तो टेबुलर फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, और फिर अगर उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप अपने यूज़र्स को अच्छे तरीके से समझाने के लिए उसे ग्राफ्स या डायग्राम के ज़रिए भी प्रेजेंट कर देते हैं, जिससे समझने में बड़ी आसानी मिलती है। तो मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास ग्राफ्स और डायग्राम्स मौजूद हैं, चार्ट्स मौजूद हैं। मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ कौन कौन से ग्राफ्स मौजूद हैं। पहला ग्राफ है हिस्टोग्राम, दूसरा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तीसरा है फ्रीक्वेंसी कर्व। अच्छा, ये बता दूँ कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व बिल्कुल सेम, कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि जब आप इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में जो लाइंस ज्वाइन करते हैं आप, वो स्केल से ज्वाइन करते हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी कर्व में जब आप पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो वो फ्री हैंड से ज्वाइन करते हैं। बस ये दोनों में डिफरेंस है और कोई फ़र्क इसमें नहीं है। और चौथा ग्राफ है यहाँ पर ओगिव। ये एक कैटेगरी के ग्राफ है, ठीक है। चार ग्राफ हैं, चारों ग्राफ एक कैटेगरी में आते हैं। ये दो तरह के ग्राफ बनेंगे हमारे पास। ये एक कैटेगरी के ग्राफ है, चार ग्राफ होगा। हिस्टोग्राम को बनाने के लिए आपको एक्स एक्सिस पर चाहिए, गौर से देखिएगा भाई, यहाँ पर हिस्टोग्राम को बनाने के लिए आपको एक्स एक्सिस पर चाहिए क्लास बाउंड्रीज, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, और वाई एक्सिस पर हमें चाहिए होगा क्या, फ्रीक्वेंसी, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व दोनों के लिए बिल्कुल सेम है। एक्स एक्सिस पर हमें दोनों के लिए क्या चाहिए, मिड पॉइंट्स चाहिए, और y एक्सिस पर हमें दोनों के लिए क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। मिड पॉइंट्स क्या होते हैं ये भी आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, और फ्रीक्वेंसी वो भी आपको मालूम। ओगिव के लिए आपको x एक्सिस पर चाहिए क्लास बाउंड्रीज, जो कि आपको पता है, और y एक्सिस पर आपको चाहिए होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव का मतलब होता है फ्रीक्वेंसीज को आपस में ऐड करते अगर चले जाए तो उसे हम कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो y एक्सिस पर हमें इसके लिए चाहिए होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, मैं आपको ये बात बता दूं कि ओगिव का जो ग्राफ बनता है वो दो तरीकों से बनता है, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से अलग बनेगा और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से अलग बनेगा। यानी दो तरह से इसका ग्राफ बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको इस चैप्टर को पहले पढ़ना पड़ेगा। बहरहाल, तो ये फिलहाल हम ग्राफ के हवाले से बात कर रहे हैं, इससे हमारा एमसीक्यू क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे तरह के ग्राफ पर। ये इस ग्राफ का जो डाटा होता है वो डिफरेंट होता है पिछले ग्राफ के डाटा के मुकाबले में। इसमें चार तरह के ग्राफ्स हैं। पहला ग्राफ है सिंपल बार डायग्राम, दूसरा ग्राफ है मल्टीपल बार डायग्राम, इसमें एक से ज़्यादा बार्स होते हैं, इसमें एक ही बार। अच्छा, ये वो वाले बार नहीं है जो बार होते हैं ना, वो पी के टन होगा, वो वाले बार नहीं है। ये बार एक जैसे चॉकलेट बार होती है, जैसे ये एक बार है, ग्रीन कलर का एक बार, ये रेड कलर का एक बार, ये बार कहलाता है। तो ये आपके बार डायग्राम, इसमें सिंपल बार डायग्राम एक ही बार होगा, इसमें मल्टीपल बार डायग्राम एक से ज़्यादा बार हो सकते हैं, और फिर तीसरा है कंपोनेंट या सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ठीक है, और चौथा कहलाता है आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट में कोई बार नहीं होते हैं, ये एक सर्कुलर डायग्राम होती है, मतलब एक सर्कल होता है इसमें, और सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री पर होता है। यानी जब आप सर्कल को कंप्लीट करते हैं तो वो एंगल कितने डिग्री का बनता है, उसका 360 डिग्री का इसका एंगल बनता है। तो पाई चार्ट का जो सम बनेगा हमेशा, एंगल जो कंप्लीट होगा सर्कल, वो कितने डिग्री पर कंप्लीट होगा, 360 डिग्री पर जाकर जो है वो ये आपका सर्कल कंप्लीट होता है। तो चार तरह के डायग्राम ये हो गए, और चार तरह के डायग्राम मैंने आपको पीछे लिखवाए हैं। अब आते हैं इसके एमसीक्यूज पर। फॉर द डेटा इन द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ अ पाई डायग्राम, एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ कैटेगरी सी इज, आपको एक डेटा दिया गया है, वो आपसे पूछते हैं कि कैटेगरी सी जो हमारी कैटेगरी सी यानी कि ये वाली कैटेगरी, इसका जो एंगल होगा, डिग्री का जो एंगल होगा वो कितना होगा। चार ऑप्शन उन्होंने आपको बताए हैं। अच्छा भाई, इसकी कैलकुलेशन समझ लीजिएगा। पहले तो जितने भी फ्रिक्वेंसी दी हुई हैं इन सब फ्रिक्वेंसीज का पहले आप सम कर लीजिए। इन तमाम फ्रीक्वेंसी का अगर मैं सम करता हूँ तो सम कितना बनता है इसका, 40, सबको प्लस कर दिया मैंने। इसके बाद तरीक़ेकार क्या है, इसके बाद तरीक़ेकार ये होता है कि जिस आप कैटेगरी का आप एंगल मालूम करना चाहते हैं उस कैटेगरी की फ्रीक्वेंसी को सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दीजिए एंड देन मल्टीप्लाई बाय 360 का सर्कल होता है, तो 360 से आप इसे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं आपको नीचे शो करता हूँ, मुझे क्योंकि सिर्फ सी का मालूम करने के लिए क्या है, कैटेगरी सी, तो सी का जो सी की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 10, इसको डिवाइड कर दीजिए सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी का सम कितना बनता है, 10 डिवाइड बाय 40, और मल्टीप्लाई करना है एक कांस्टेंट नंबर से। ये कांस्टेंट, ये फिक्स है, ये नंबर तब्दील नहीं होगा, 360। किसी भी सवाल में 360 चेंज नहीं होगा, ये 10 चेंज हो सकता है, ये 40 चेंज हो सकता है। 40 कैसे चेंज होगा, जो नंबर्स यहाँ पे होंगे उनका सम चेंज होगा, तो जाहिर सी बात है ये भी चेंज हो जाएगा।
तो ये भी चेंज हो सकता है, ये भी चेंज हो सकता है, लेकिन 360 जो है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि सर्कल 360 का ही रहेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास जो सी का आंसर आएगा वो आएगा 90 डिग्री। यानी जब आप इसे अपने डी डी होता है ना, डी जो बचपन में बनाते थे, डी कंपास डी वगैरह, तो उस डी पर जब आप सर्कल को बनाएंगे तो जो सी का एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको ई का कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 7 / 40 / 360। W का कैलकुलेट करना हो तो 8 / 40 / 360, ये इसका तरीकेकार है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है, सी का जो आंसर है वो कितना है, 90। 90 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है सी। अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मे बी ड्रॉन ऑन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आप बना सकते हैं। अच्छा भाई देखिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किस ग्राफ के ऊपर बनाया जा सकता है, उनके कहने का मतलब ये, तो हिस्टोग्राम के ऊपर ही आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बना सकते हैं। पाई चार्ट पे नहीं बना सकते, बार डायग्राम पे नहीं बना सकते, फ्रीक्वेंसी कर्व के ऊपर नहीं बना सकते। हिस्टोग्राम के ऊपर आप दो डायग्राम बना सकते हैं, हिस्टोग्राम के ऊपर आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बना सकते हैं और हिस्टोग्राम के ऊपर आप फ्रीक्वेंसी कर्व भी बना सकते हैं। तो वो ये पूछेंगे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को किसके ऊपर किसके साथ एक ही वक्त में दोनों ग्राफ पेपर पर बना सकते हैं, तो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हिस्टोग्राम के साथ मिलाकर बना सकते हैं। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। फॉर अ पाई डायग्राम द सम ऑफ ऑल सेक्टर एंगल इज, मैंने आपको पीछे बता दिया कि पाई डायग्राम में जो आपके एंगल का सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो 360 होना चाहिए। ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर। द ग्राफ ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज इज नोन एज, पीछे मैंने आपको ये बात बताई है कि किस ग्राफ में हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। वो यही पूछ रहे हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले ग्राफ को आप क्या कहते हैं इनमें से, उसे कहते हैं हम ओगिव। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इन द प्रिपरेशन ऑफ एन ओगिव क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज आर प्रेजेंटेड ऑन, ये भी मैंने आपको पीछे बता दिया कि जब आप ओगिव बनाते हैं तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को आप कहाँ प्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे या जेड एक्सिस पे, या कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं करते। तो हम पीछे मैंने आपको ये बात बताई कि हम ओगिव में क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को प्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस पर। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अनदर नेम ऑफ कंपोनेंट बार डायग्राम इज, मैंने आपको पीछे दोनों नाम लिखवाए हैं कि कंपोनेंट बार डायग्राम का जो दूसरा नाम है वो क्या है, बताइए इनमें से देख के बताइए जरा। कंपोनेंट बार डायग्राम का अगला नाम है सब डिवाइड बार डायग्राम। ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। हिस्टोग्राम इज ड्रॉन बाय टेकिंग डैश ऑन एक्स एक्सिस, जब आप हिस्टोग्राम बनाते हैं तो उस वक्त हम एक्स एक्सिस पर इनमें से क्या चीज लिखते हैं, ये भी मैं आपको लिखवा चुका हूं कि हिस्टोग्राम के लिए हमें एक्स एक्सिस पर चाहिए क्लास बाउंड्रीज। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज ड्रॉन बाय टेकिंग डैश ऑन एक्स एक्सिस, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाने के लिए आपको एक्स एक्सिस पर इनमें से क्या चीज चाहिए, ये भी लिखवा चुका हूं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाने के लिए आपको एक्स एक्सिस पर चाहिए मिड पॉइंट, यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, तो ये इस चैप्टर के मुख्तसर से एमसीक्यूज थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे हम अगले चैप्टर के एमसीक्यूज को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जिसमें जिस चैप्टर से बहुत सारे एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।